ओम शांति। आज 3 दिसंबर 2022 मुरली। मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आया है। इसलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। प्रश्न, जिन बच्चों की बुद्धि सतोप्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे, दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। प्रश्न, तुम बच्चों को बड़े ते बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? उत्तर, सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह न जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे किसको समझाएं, शंख ध्वनि करें। जीत जाग सजनिया जाग। मीठे मीठे सिकलिधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। वरदान, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा और जो हो रहा है वो और अच्छा और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। यह दोनों ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। स्लोगन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट में बनना है। ओम शांति।